राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2024, जिसमें गणित के कुल 103 से 122 तक 20 प्रश्न आए हुए हैं। इसका हल देखेंगे। 103 नंबर का सवाल है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण पी की वार बराबर 70 अंश, तो कोण पी एस आर का मान है। ये देखिए चित्र है, इसमें कोण पी क्यू आर, यह कोण 70 अंश दिया हुआ है, यह कोण जो पी एस आर है इसका मान पूछ रहे हैं। तो आप देखें पी क्यू आर एस, यह पूरा एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, प्रमेय है चक्री चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात कोण Q और S मिलकर के 180 अंश होगा। 70 धन X बराबर 180 अंश, तो X का मान 180 ऋण 70 बराबर 110 अंश, तो इसका आंसर 110 अंश होगा। आए देखें, ये तीसरा वाला आंसर इसका सही है। अगला सवाल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होते हैं, गिनती वाले, 1, 2, 3, 4, 5। फिर देखिए 6, 7, 8, 9, 10। आप जोड़े हैं 10 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11, 11 बचे 55। समांतर माध्य, ये 10 संख्या है, 10 का भाग कर दीजिए 5.5। इसका उत्तर दूसरा सही है, 5.5। 105वां सवाल है, वर्ग समीकरण 7 - x² = x + 1 के मूल हैं। आप इसका ऑप्शन देखें। अब आप इसको त्रिपदी व्यंजक के रूप में तोड़ लें, पहले बना लीजिए। तो x² इधर ऋण है, उधर ले चलिए धन हो जाएगा, तो x² धन हो गया, यह है धन x, धन 1 और यह 7 इधर जाएगा, तो ऋण 7 बराबर, इसको हल करिए, x² धन x ऋण 6 बराबर 0। सही ढंग से लिख लीजिए, x² धन x ऋण 6 बराबर 0। ऋण 6 का 2 गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर आए, तो धन 3 ऋण 2, तो x धन 3 और x ऋण 2 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 3 और इसके द्वारा x बराबर धन 2, ऋण 3 और धन 2 इसका मान आएगा, यानी इसका आंसर 2 सही। 106 नंबर सवाल है, x ऋण 1, x ऋण 2 और x² ऋण 9x धन 14 अपान x - 7 x² - 3x + 2 का मान है। आंसर दिया है x - 1, x - 2, x - 3, x - 7। इसको हल करते समय आप x² ऋण 9x धन 14 को तोड़ेंगे, तो 14 का 2 गुणनखंड करना है जिसका योग ऋण 7 आवे, ऋण 9 आवे, 7 × 14 x ऋण 7 और x ऋण 2 इसका गुणनखंड होगा, तो x ऋण 1, x ऋण 2, x ऋण 7 इसके द्वारा और x ऋण 2 बटा, यहां ये x ऋण 7 x² अब इसको त्रिपदी व्यंजक है, इसको तोड़िए, 2 का गुणनखंड ऐसा करिए जिसका मान ऋण 3 आवे, तो ऋण 2 गुणे ऋण 1 माने ऋण 2 और ऋण 1 दोनों जोड़ने पर ऋण 3 आएगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x ऋण 2 और x ऋण 1। आप तोड़ें, काट दें, x ऋण 7 x ऋण 7, x ऋण 2 x ऋण 2, x ऋण 1 x ऋण 1, बचा क्या x ऋण 2, इसका हो गया x ऋण 2, x ऋण 2 माने इसका दूसरा आंसर सही है। 7 नंबर सवाल देखें, यह घनमूल है, तो ऋण 125 गुणे 2 ऋण 2744, यह ऋण 5 का घन है और यह ऋण 14 का घन है। आप इसको लिख सकते हैं ऋण 5 का घन
और इसको लिख सकते हैं ऋण 14 का घन, और घनमूल हम जानते हैं तीन में से एक बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 5 और गुणे ऋण 14 बराबर हो जाएगा 14 × 5 = 70 और ऋण गुणे ऋण धन बराबर धन 70। इसका आंसर तीसरा सही है। पांचवा सवाल देखें, यदि एक्स स्क्वायर धन 1/x² बराबर 6 तो एक्स क्यूब ऋण 1/x³ का मान होगा। पहला है 10, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा 16। आप इसके लिए फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब धन 3ab इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला से हम लगाते हैं, तो यहां एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इसी का मान निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर एक्स माइनस 1/x का होल धन, देखे ए बी, ए माने एक्स और बी माने 1/x, तो ए बी का मान हो जाएगा 3 × x इंटू 1/x ए माइनस बी एक्स माइनस 1/। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जरूरत है एक्स माइनस 1/x का मान। आप देखें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर इसमें हम ऋण 2 घटा दें तो दाहिने पक्ष में भी ऋण 2 घटाना पड़ेगा, 6 × 2। तो अभी देखें किसका वर्ग हो गया, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया बराबर ये 4 जो कि 2 का वर्ग है बराबर 2 का वर्ग, अर्थात एक्स माइनस 1/x बराबर 2। इसको इसके पहले की वीडियो में जारी किया गया है कि कैसे आप शॉर्टकट निकालेंगे। मान रखिए 2 का क्यूब धन, देखें ये 3 हो गया और यहां हो गया 2, तो 2 का क्यूब 8 धन 6 बराबर 14। उत्तर तीसरा है 14 सही है। ये देखें 109 सवाल, संख्या 8/3 धन करणी में 7 है, पूर्णांक भिन्न अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। आप देख रहे हैं यह करणी जो है करणी के बाहर 7 सम हो रहे हैं, अभाज्य है 7, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। आंसर दूसरा सही है। अगला सवाल देखें, दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, करणी में पाई अनुपात 1, 1/1 करणी में पाई, करणी में पाई अनुपात 2 और 2 करणी में पाई। आप देखें कह रहे हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, वर्ग की भुजा मान लिया, वर्ग की भुजा ए मान लिया और वृत्त की त्रिज्या आर है। तब देखें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अनुपात किसमें पूछ रहे हैं, वर्ग की भुजा तथा वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, ए स्क्वायर इधर लेते आइए आपको आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई, वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ, वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा ए बटा आर, चूंकि दोनों तरफ वर्ग हट जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और अंडर रूट पाई, ए बटा आर बराबर अंडर रूट पाई अनुपाते 2। अब आप इसको लिख दीजिए ए अनुपाते आर बराबर अंडर रूट पाई अनुपाते 2, अर्थात यह इसका आंसर अंडर रूट पाई अनुपाते 2 तीसरा सही है। आए 111 नंबर सवाल देखें, 2/3 धन ऋण 2/3 धन 2/0 ऋण 2/2 ऋण 3/2 का मान है। आप देखिए कोष्टक का सवाल है,
तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला कोष्ठक इसको तोड़िए। यहां देखें घात का घातांक है और साथ साथ ही कोष्ठक का सवाल है, तो आप पहले दो घाते जो ऋण है इस सबको बदल लिया जाए तो यह हो जाएगा एक बटा दो घाते तीन धन ऋण एक बटा दो घाते तीन धन दो घाते जीरो, इसका मान हो जाता है जीरो घात माने एक हो गया और हो गया एक बटा दो घाते दो। ऊपर जब अगर आप किसी घात को कोई संख्या लिखी हुई है वह ऊपर ऋण है उसको एक बटा कर देंगे तो धन हो जाएगा, इसीलिए देखें दो घाते ऋण दो को हमने दो घाते दो कर दिया नीचे एक बटा, यह कार्य समय कर लेते हैं। ऋण तीन यहां देखें दो घाते ऋण दो ऊपर ऋण है तो बटा में कर लीजिए एक बटा दो घाते दो धन हो जाएगा, तोड़ लीजिए यह हो गया एक बटा आठ धन एक बटा आठ धन एक ऋण एक बटा चार ऋण तीन गुणे एक बटा चार। अब आप कोष्ठक अंदर वाला भाग तोड़ें तो एक बटा आठ धन ऋण एक बटा आठ धन एक में से एक बटा चार गया तो यहां हो गया तीन बटा चार ऋण तीन गुणे एक बटा चार। अब देखें ऋण एक बटा आठ और ऋण एक बटा आठ धन ऋण एक बटा आठ धन छह बटा आठ हो जाएगा ये ऋण तीन गुणे एक बटा चार, इसका मान पांच बटा आठ होगा तो एक बटा आठ धन पांच बटा आठ। यहां देखें ऋण तीन बटा चार, अब इसको भी आठ बदल लीजिए तो हो जाएगा एक बटा आठ धन पांच बटा आठ, ये हो जाएगा ऋण तीन दुनी छह बटा आठ। यहां देखें धन वाला पांच एक छह बटा आठ ऋण छह बटा आठ बराबर छह बटा आठ ऋण छह बटा आठ बराबर जीरो, इसका उत्तर शून्य होगा यानी ऑप्शन एक सही है। 112वां सवाल देखें, यदि 3y प्लस जेड बराबर 15 3z प्लस x बराबर 13 3x प्लस y बराबर 8 तो x प्लस y प्लस जेड का मान होगा, ऑप्शन दिया हुआ है पहला 36 दूसरा 18 तीसरा 15 चौथा 9। आप यहां ध्यान से देखें अगर हम इन तीनों को जोड़ दें 3y प्लस जेड बराबर 15 ये देखिए 3z प्लस x 3z प्लस x बराबर 13 यहां देखें 3x प्लस y 3x प्लस y बराबर 8 3 एक 4x धन 4y धन 4z बराबर 5 3 8 16 2 1 3 36 4x प्लस y प्लस z बराबर 36 3x प्लस y प्लस z बराबर 36 बटा 4 बराबर 9, तो इसका आंसर चौथा सही है 9। यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। मान लिया लंबाई L चौड़ाई B तो इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर एल बी। अब क्या कह रहे हैं पहले शर्त के अनुसार लंबाई 3 मीटर बढ़ा दीजिए एल धन 3 तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर चौड़ाई में 4 मीटर कम कर दीजिए बी ऋण 4 तो क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है बराबर एल बी माइनस 72। इसको थोड़ा सा हल करिए ये हो गया एल बी देखिए एल का गुणा बी में माइनस 4L 4 फिर 3 का गुणा करिए धन 3B माइनस
तीन चौक 12 बराबर एल बी ऋण 72 कर दीजिए। यहां देखें माइनस 4L धन 3B बराबर ऋण 72 धन 12, तो 72 में से 12 गए 60 हो जाएगा। माइनस 4L प्लस 3B बराबर ऋण 60, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरे शर्त पर आइए, कह रहे हैं कि लंबाई 1 मीटर कम कर देने, तो L माइनस 1 कर दीजिए। चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने, तो बी प्लस 4 कर दीजिए। अब क्या होता है, 88 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है बराबर एल बी धन 88। इसको भी इसी तरह से कर लीजिए, एल बी धन 4L, इसमें गुणा हुआ 4L, ऋण 1 का गुणा करिए, माइनस बी फिर माइनस 4 बराबर एल बी धन 88। हल कर लीजिए इसको, 4L माइनस बी बराबर इधर जाएगा तो 88 धन 4 बराबर 4L माइनस बी 92। समीकरण नंबर 2, आप देखें समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, यहां माइनस 4L है यहां प्लस 4L है, जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, यह खत्म हो गया। यहां देखें 3B धन है, यहां ऋण 3B ऋण बी है, तो हो गया 2B, जोड़ने पर 2B हो गया बराबर। यहां देखें धन 92 ऋण 60, तो हो गया ऋण धन 32, तो यह कहता है बी बराबर 16, तो बी का मान 16 आ गया। एक मान निकाल लीजिए इसी में, इसी मान एक रख दीजिए, 4L माइनस 16 बराबर 92, तो आप देखिए 16 उधर चला जाएगा जुड़ जाएगा, 4L बराबर 92 धन 16 बराबर 108, L बराबर 108 भागे 4 27। सवाल क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताएं, तो लंबाई 27 मीटर चौड़ाई 16 मीटर, 27 ऋण 16 बराबर 11, अंतर 11 मीटर आएगा, इसका आंसर पहला सही है। अगला सवाल है, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है तो उसके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या हो। अब देखें बहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है, हम जानते हैं किसी बहुभुज की संपूर्ण अंतःकोणों का योग, भुजाओं का गुणा ऋण 4 समकोण बराबर समकोण में आएगा, तो भुजाओं यहां 5 है, 5 × 2 बराबर 10 ऋण 4 बराबर 6 समकोण माने 6 × 90 540 संपूर्ण अंतःकोण है, तो भुजाओं की संख्या भाग कर दीजिए, एक अंतःकोण का मान बराबर 540 भागे भुजा संख्या 5 5 5 5 40 108 डिग्री होगा, इसका आंसर 108 डिग्री, इसका मतलब चौथा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से कम हो रही है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 5760 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। अब देखें वर्तमान जनसंख्या जो हमारी 5760 है, इसको ए लेकर चलेंगे, तो ए बराबर 5760, पी हमें ज्ञात करना है हमारी पहले की संख्या कितनी थी और कितना कम हो रहा है प्रतिरेक, आर बराबर 4%, फार्मूला रख दीजिए, ए बराबर पी इंटू 1 - r/100 n, n कितना है 2 वर्ष, n बराबर 2, आप देखिए 5760 बराबर पी इंटू 1 - r
चार बटा सौ घाते दो, यहां देखिए 760 बराबर पी वन वन अपॉन 25 वर्ग बराबर ये हो गया 25 ऋण एक बटा 25 का वर्ग बराबर 5760 बराबर पी हो गया 24 बटा 25 का वर्ग। यहाँ आ जाइए हो गया पी गुणे 24 बटा 25 का वर्ग बराबर 5760। तो पी बराबर 5760 भागे 24 गुणे 24 गुणे 25 गुणे 24 का वर्ग 576 होता है। 24 गुणे 24 बराबर 576 और ये 10 आ जाएगा 10। 25 25 हमें 625 और गुणे 10 10 गुणे 625 बराबर 6250। यानी इसका आंसर चौथा सही। परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की लड़की होने की संभावना इसका आंसर 1/4 है। अगला सवाल है 49 ऋण 1/a² माइनस 1/b² धन 2ab का गुणनखंड है। अब देखें इसको ऐसे करिए 49 ऋण कॉमन ले लीजिए 1/a² प्लस 1/b² माइनस 2/ab। ये देखिए क्या है, ये हो गया 7 का वर्ग ऋण, यहां देखें 1/a माइनस 1/b का स्क्वायर हो। अब यहां देखें ये वर्गांतर का सूत्र है, यहां वर्गांतर लगेगा। वर्गांतर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां देखें 1/7 और इसको जोड़ दीजिए तो पहले क्वेश्चन में आएगा 7 धन 1/a माइनस 1/b। दूसरे क्वेश्चन में देखिए ए माइनस बी तो 7 ऋण ऋण 1/a और यहां ऋण लगेगा तो धन 1/b। 7 1/a ऋण 1/b, एक बार 1/a 1/b माइनस है, दूसरी बार 1/a। इसका आंसर ये दूसरा वाला सही है। 118 सवाल देखें, एक अलमारी 5% छूट के बाद 5225 में बेची जाती है, अलमारी का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। आंसर दिया है 45,500 5,000 रुपया 5,100 5,500। आप देखें अलमारी छूट के बाद 5% छूट यानी 100 रुपये उस पर प्रिंट है 95। अब आप देखें ये 95 रुपये देने के बाद उसका वास्तविक मूल कितना है 100 रुपये। 95 रुपये बेचने के बाद वास्तविक मूल कितना है उसका जो उस पर लिखा है वो 100 रुपये है। इसलिए 1 रुपये में बेचने के बाद 100/95, इसलिए 5,225 रुपये बेचने के बाद 100 × 95 × 5,225 इसलिए 5,225 रुपये बेचने के बाद 100/95 × 5,225 पांच भाग दीजिए ये हो गया 19। यहां देखें 5×5 = 0 5×4 = 20 और 5×5 = 25। यहां फिर भाग दीजिए 19 के बाद 19×5 = 95 और 19×5 = 95 और ये हो गया 100 × 55 = 5,500। इसका वास्तविक मूल्य जो उस पर छपा था 5,500। किसी आयत का क्षेत्रफल x³ प्लस 125 वर्ग इकाई है, यदि उसकी लंबाई x प्लस 5 इकाई हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। आंसर दिए हुए आप ध्यान दीजिए, यह उसका क्षेत्रफल आयत का
तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और जिसमें से लंबाई दी हुई है तो चौड़ाई मान क्षेत्रफल में लंबाई का भाग कर दीजिए। तो ये देखिए x प्लस 125 बटा x प्लस 5। आप देखें यह x का क्यूब है और यह 5 का घन है, 5 का क्यूब है तो x प्लस 5। एक सूत्र हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इस पर लगा दीजिए। तो x प्लस 5 x क्यूब प्लस 5 क्यूब की जगह हो जाए x प्लस 5 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 5 का वर्ग बटा x प्लस 5। आप देखिए x प्लस 5 x प्लस 5 कर जाए, आप इसको भी तोड़ लीजिए, आया क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। देखिए किसमें आया है माइनस 5x प्लस 25, ये देखिए ये दूसरा आंसर सही है, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5x आंसर 2। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 हो, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो आप देखें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर जहां ए उसकी भुजा, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब। तो पहले हम ये प्राप्त करें कि यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 600 सेमी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 600 भागे 6 बराबर 100, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है ए क्यूब, तो 10 का घन बराबर 1000 सेंटीमीटर की, इसका ये तीसरा सही। चौथा सवाल देखें 3 घाते 0 धन 2 घाते 0 गुणे 5 घाते 0 का मान होगा 0, 2, 13, 25। यहां देखें किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, यहां 3 की घात 0 है इसका मान 1, 2 की घात 0 है इसका मान 1, 5 की घात 0 है इसका मान 1, तो 1, 1, 2 गुणे 1 बराबर 2, इसका आंसर 2 सही है। दूसरा आएगा 152वां सवाल देखें, मोनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/5 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है, स्कूल पहुंच जाती है, वह कितनी दूरी पैदल चलती है। आप देखें कुल दूरी कितना है 9/10 किलोमीटर और फिर कितना वो बस चलती है 1/5 भाग बस से चली, तो शेष जो बचा वो पैदल चलती है, घटा देते हैं इसको। इसमें देखें 10, 9, 5 × 10 = 7/10 किलोमीटर, यानी कौन सा उत्तर सही है, ये दूसरा वाला उत्तर सही है 7/10 किलोमीटर।